हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप और आपके जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, एम्प्लॉयज जो भी आपके आसपास हैं वो सेहतमंद हैं, वो इन्फेक्टेड कोविड से नहीं हुए हैं, और अगर हो भी गए हैं तो वो उससे फाइट कर पा रहे हैं। कोविड आने से हुआ है लॉकडाउन, लॉकडाउन से आया है वर्क फ्रॉम होम कल्चर, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज घर पे हैं, ऑफिस में आ नहीं पा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से हुए हैं मेरे सारे व्यापारी परेशान। कैसे करूं काम, कैसे काम करवाऊं? वो लोग काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? अगर ये आपके सवाल हैं तो फिकर नॉट, क्योंकि मेरे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। इस वीडियो में मैं आपको छह ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसे करने से वर्क फ्रॉम होम को मैनेज करना आप सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो पेन एंड पेपर उठाइए और ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। वेलकम बैक चैंपियंस, मेरा नाम है हार्दिक हरसोरा और मैं पिछले 10 सालों से छोटे बिजनेसेस, एसएमई बिजनेसेस को मदद कर रहा हूं उनके बिजनेस को अच्छी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने के लिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिजनेस को भी मैनेज करने में आपकी मदद करूं, तो आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट पे। थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करके आपको जिस एरिया में मदद चाहिए वहां क्लिक करना है। थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम है कैसा, एंड फिर हम एक फ्री कॉल पे आपके साथ आ सकते हैं जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। वर्क फ्रॉम होम, ये जो नया कल्चर है ये नया इसीलिए है और हमारे लिए है जो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं। ये कल्चर जो है ये ऐसा कल्चर है जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज के साथ फिजिकली एक लोकेशन पे नहीं है, फिर भी हमें वो एम्प्लॉयज के साथ मिलके कुछ काम कंप्लीट करने हैं। ये कॉर्पोरेट्स में तो था पहले से, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में ब्रांच ऑफिसेस होती है और बहुत ज्यादा जरूर, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लोग जो बॉसेस जो हैं वो अमेरिका में बैठे हैं और एम्प्लॉयज इंडिया में बैठे हैं, या बॉस जो है वो बैंगलोर में बैठा है और एम्प्लॉय दिल्ली में बैठा है। तो ये कम्युनिकेशन बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए भी कॉर्पोरेट्स वाले जो हैं ये कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको ये आर्ट पता है। पर हम एसएमईज, छोटे बिजनेसेस, ये चीजों से स्ट्रगल करते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये छह चीजें यूज करके आप ये स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं। और ये मैं क्यों बता सकता हूं, मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने 12 साल कॉर्पोरेट्स में बिताए हैं और ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो मैं इसके पहले जी चुका हूं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहली शुरुआत हमको करनी पड़ेगी हमारे माइंडसेट को चेंज करने से। माइंडसेट को चेंज करना मतलब क्या? हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है ना कि हमें चाहिए कि एम्प्लॉय टाइम पे ऑफिस में आए, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय टाइम पे ऑफिस पे आता है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो अच्छा एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा होगा, और उसके बाद बाकी काम करने के पैरामीटर चेक होते हैं। पर अगर वो काम पे टाइम पे नहीं आ रहा है, चाहे वो बाकी काम सही से करे या ना करे, हम उसको लेबल बहुत आसानी से कर लेते हैं कि ये सही एम्प्लॉय नहीं है, और राइटली सो, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तब पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। पर अभी वही माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। टाइम पे वो बंदा गूगल पे आ रहा है या नहीं, वो चीज पे नजर रखने से बदले आपको नजर रखनी है क्या उसको दिए हुए काम वक्त पे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। वो 10 बजे लॉग इन कर रहा है, 10 बजे आपका कैमरा चालू कर रहा है या नहीं, वो सब चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए क्या उसको दिए गए काम जिस वक्त पे कंप्लीट होने चाहिए क्या वो हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट सिर्फ आपके लिए अलग नहीं है, एम्प्लॉयज के लिए भी अलग है। हो सकता है आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज आज अचानक से घर में ऐसे एटमोसफियर में काम कर रहे हैं जो एटमोसफियर में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो काम करने वाले हैं। अपना बच्चा बुला रहा है, अपनी मम्मी बुला रही है, खाना पीछे बन रहा है। हमारे इंडिया में एक वर्क फ्रॉम होम करने के लिए घर के अंदर एक ऑफिस स्पेस नहीं होता है, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स एक एम्प्लॉय भी फेस कर रहा होता है। ऐसे दौरान पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप
आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में एक ट्रस्ट और सपोर्ट का रिलेशनशिप बने। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, आप गलत सवाल पूछोगे, आप डाउट से ऑपरेट करोगे। आपके सवाल कुछ ऐसे होंगे, क्या तुमने ये काम नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। अब जब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो एम्प्लॉय को बुरा लगता है, उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है, वो वहां स्ट्रगल कर रहा है उसके कच्चे पक्के इंटरनेट से, उसके लैपटॉप पे काम करना जो उसने कभी नहीं किया है, और अब उसको ये सवालों का जवाब भी देना है। उसे ये भी डर है कि अगर ये जॉब छूट गया तो मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ट्रस्ट की शुरुआत दोनों एंड से होनी चाहिए। आपके एंड से आप शुरुआत कीजिए और ट्रस्ट से सवाल पूछिए, ये काम नहीं हुआ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये काम को कंप्लीट करने के लिए। ये सही सवाल है। एंड डाउट वाला जो सवाल है ना, उसे आप काट दीजिए। पॉइंट नंबर 2, जब हम बोल रहे हैं कि आप काम हुआ या नहीं हुआ उस पे ध्यान दीजिए, ट्रस्ट पैदा करिए और ट्रस्ट और सपोर्ट का रिलेशनशिप पैदा करिए। वेल, इसको आगे लेके जाने के लिए आपको हर काम को एक टाइम पीरियड में बंदिश करनी होगी, यानी हर काम को कंप्लीट करने का एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना होगा। आप ये ड्यूरेशन या तो पहले से ही हो सकता है आपके पास, यानी आपने पहले कुछ प्रोसेसेस सेट किए हैं और आपको पता है कि कोटेशन भेजने के लिए आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता है, तो और वो अग्रीड है आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो टाइम हो गया। अगर कोई ऐसे टास्क है जहां पे आपके पास टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉय के साथ बैठ के वो टाइम डिसाइड करिए। ऐसा टाइम जो एम्प्लॉय भी अग्री करे, आप भी अग्री करो कि ओके, ये टास्क करने के लिए मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं सर, मुझे 45 मिनट्स लगेंगे। 45 मिनट्स इज ओके, थम्स अप। वो टास्क 45 मिनट्स चालू करने के बाद खत्म होना चाहिए। और एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे कि वो टास्क चालू कब होने वाला है, क्योंकि 45 मिनट्स फ्रॉम व्हेन, तो वो आप डिसाइड करिए। ये करने से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो 8 घंटे का जो उसका वर्किंग टाइम है, वो 8 घंटे के अंदर क्या 8 घंटे में करने वाले टास्क हैं, या शायद उसके पास टास्क 9 10 11 घंटे के दे दिए हैं, या हो सकता है 4 घंटे के दे दिए हैं। इससे आपको जो डाउट आ रहा था ना, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉय को जो डाउट को आंसर करना पड़ रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा और काम जो आपका है ना, वो होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है कि अब की बार आपको मॉनिटरिंग बहुत क्लोज रखनी है, यानी बहुत शानदार और क्रिस्प और स्ट्रॉन्ग और शार्प मॉनिटरिंग रखनी है। वेल, आपको मॉनिटर क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है नंबर 1 ऑक्यूपेंसी, यानी 8 घंटे में से कितने घंटे तक के काम उसको मिल चुके हैं। एंड रिमेंबर दिस, जब भी वो आपके ऑफिस में आता था तब आप ये मेजर नहीं करते थे, तो हो सकता है ऑफिस में वो वक्त पे तो आ जाता था, पर गप्पा मारने के लिए वो यहां वहां तब भी भटकता था। अब जब भटकता है तो अब डर लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, शायद अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ऑक्यूपेंसी मेजर करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सर काम था ही नहीं, तो मेरे पास 2 घंटे तो एक्स्ट्रा रहेंगे ना, तो काम पैदा तो नहीं कर सकते, तो आप ऑक्यूपेंसी को मेजर करिए। सेकेंड चीज जो आपको मेजर करनी होगी वो है इफेक्टिवनेस, यानी कितनी गलतियां हो रही है। एक काम जो 20 मिनट में होना चाहिए तो 20 मिनट में हो तो गया, पर फिर उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि सही ढंग से नहीं हुआ था, तो ये जो गलतियां है ना, इसको मेजर कीजिए। नाउ अगेन, इफ गलतियां मेजर हम क्यों कर रहे हैं, ये सोचने के लिए कि शायद 20 मिनट इनफ नहीं है, तो वो घाई में वो काम कर रहा है इसलिए गलती तो नहीं हो रही है। अगर हाँ, तो आप 20 मिनट का वो काम जो है उसके लिए ज्यादा टाइम दे दीजिए, 35 मिनट 40 मिनट दे दीजिए। और बाकी अगर कोई गलतियां हो रही है तो वो गलतियों पे सपोर्ट करिए। आप बताइए कि वो गलतियां ना करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और वो सपोर्ट को एक्सटेंड करिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा गलतियां क्यों हो रही है, आप सपोर्ट कर रहे हो, एम्प्लॉय को सपोर्टेड फील हो रहा है, वो आपको घर पे रहते हुए भी आपको वो चाहेगा एज अ बॉस, और आपके साथ काम करने में उसको मजा आएगा क्योंकि अब उसको सपोर्ट मिल रहा है और वो काम कर पा रहा है। यही चीज करने के लिए आपको शायद जरूरत पड़ेगी रिमाइंडर्स की और नोटिफिकेशंस की। तो हमारे सारे सेलफोन्स में आजकल छोटे छोटे एप्स हैं जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो कि ये रिपोर्ट जो है वो 2 बजे जानी थी, ये कोड जो है ये 3 बजे जाना था, तो आप 1 घंटे पहले एक रिमाइंडर रख सकते हो अपने फोन में, जिससे आप उसको फोन करके पूछ सकते हो कि ये कोड रेडी है, आधे घंटे में जाना है। इससे क्या होगा, चीजें मॉनिटर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें भी माइंडसेट की चेंज की जरूरत आए। ये पॉइंट है अडॉप्ट अ सिस्टम। वेल, आज के डेट में जब आप वर्चुअली काम कर रहे हो तो आपके पास एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर, इसको गले लगाना आज इंपॉर्टेंट नहीं, इज कंपल्सरी, मतलब ये करना ही पड़ेगा। कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो? वेल, पहला सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो है क्लिकअप। क्लिकअप को हम यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए, यानी जब मेरे कंसल्टेंट्स आते हैं आपके जैसे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, तो
बहुत सारे टास्क उनको कंप्लीट करने होते हैं, तो वो सारे टास्क को लिखना, वो सारे टास्क में स्टार्ट और एंड टाइम डालना सो दैट मैं मॉनिटर कर पाऊं, ये सारी चीजें कहीं तो करनी पड़ेगी ना। तो हम इसको करते हैं क्लिकअप पे। ये क्लिकअप के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऊपर अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो ऊपर आया आइकॉन पे भी वो वीडियो आएगा, उसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है, अगर आप मेरे जैसे प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन काम करते हो, यानी एक प्रोजेक्ट पे 3-4 जन काम कर रहे हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तो आप यूज कर सकते हो ट्रेलो, आप यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और अगर ये दोनों यूज नहीं कर रहे हैं तो ये कोलैबोरेशन आप ईमेल्स पे भी कर सकते हो। वो जमाना गया और अब हमको छोड़ना पड़ेगा, जब हम चिट्ठी पे लिख के लोगों को बुला के उनके डायरीज में लिखवा के ये कोलैबोरेशन करवाते थे। अब आप ऑफलाइन हो, आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो, अब वो बंदा कहीं और है, आप कहीं और हो, वैसा काम नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम्स को अडॉप्ट करने से झिझकिए नहीं, उस पे जाइए। बाय द वे, क्लिकअप और ट्रेलो का फ्री वर्जन यूज करके भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सारी सिस्टम्स हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, वेल इन दैट केस आप सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है सॉफ्टवेयर बनने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वेल आप गलत हो, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम जो के पार्टनर्स हैं जिससे कि हम बहुत ही तेज तरीके से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर इमीडिएटली रॉकेट स्पीड पे बना सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हो वो क्या है और आपको कैसे वो सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं आपके लिए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है और हम बात कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। नाउ मैनेजमेंट सिस्टम से मेरा मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम से मेरा मतलब है कि आपके पास चीजों को मैनेज करने का एक तरीका होना चाहिए। ये तरीकों में बहुत सारी चीजें आती है, पर अभी अगर आपको कल से शुरुआत करनी है तो ये दो चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहला, एक डिसिप्लिन्ड रिव्यू सिस्टम, यानी हर हफ्ते आपके पास एक रिव्यू का एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने लोगों को जितने भी काम दिए हैं वो काम हुए या नहीं हुए, अगर हुए तो वक्त में हुए या नहीं हुए, अगर वक्त में हुए तो क्या उसमें गलतियां थी, रिपीट वर्क करना पड़ा था क्या, अगर वो काम नहीं हुए तो उसके कारण क्या रहे। ये जब आप कंसोलिडेटेड यानी सब इकट्ठा उसको समझते हो, उसको स्टडी करते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें और सुधारने की जरूरत है। ये रिव्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि जब एम्प्लॉय अपने घर पे होता है ना तो वो बाकी टीम से डिस्कनेक्टेड फील करता है, और अगर वो डिस्कनेक्टेड फील करेगा तो फिर वो टीम कहां हुई। तो ये रिव्यू सिस्टम से आपके टीम को और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी भी हमारी टीम जो है वो इकट्ठी है, वो बरकरार है और साथ में काम कर रही है, एंड ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट तो आपके होंगे ही होंगे। सेकंड चीज जो आपको करनी चाहिए एक अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इज मोटिवेशन और पेनल्टी का तरीका ढूंढना चाहिए। अगर बहुत सारी गलतियां हो रही है बार 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 बार, हो सकता है कि वो बंदे को काम ही नहीं करना है, हो सकता है वो बंदे को वर्क फ्रॉम होम का नाजायज फायदा उठाना है, वो केस में पेनल्टी होनी चाहिए। और हो सकता है कि एक बंदा फायदा तो नहीं उठा रहा है पर उसको इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि उसे मान चुका है कि इस तरीके से काम नहीं हो सकता, वेल उस बंदे के लिए किसी और बंदे की सक्सेस स्टोरी उसको दिखाना बहुत जरूरी है, यानी जो कर रहा है उसको मोटिवेशन रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है, ताकि ये बंदा देख सके और जान सके कि जो मैं सोच रहा था नहीं हो सकता वो एक्चुअली हो सकता है। ये दोनों चीज करने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है जिसको मैं बोलता हूं स्कोर कार्ड। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आई आइकॉन पे आप जरूर वो वीडियो को देखें। छठा और आखिरी पॉइंट, दोस्तों अगर ये पांच पॉइंट्स देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हार्दिक मेरे को वैसे ही नहीं समझ में आ रहा था कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अब ये पांच पॉइंट से मुझे ऐसा लग रहा है और भी काम मुझे करना है, तो जो करना था पहले वही नहीं हो रहा है तो ये कैसे होगा, वेल अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई मिडल मैनेजमेंट है ही नहीं, सारे लोग जो है वो आप ही को रिपोर्ट कर रहे हैं। वेल अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और आपको करना चाहिए रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए प्लीज आप खुद नौकरी.com पे रिक्रूट करने की कोशिश मत करें, आप प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग कंपनीज को ये काम दें। रिक्रूट करने के बाद आप उनको सीधा काम ना दे दें, तो रिक्रूट करने के बाद आप पहले तो उस बंदे को इंडक्ट कीजिए, उसे बताइए कि आपका बिजनेस है क्या, कौन क्या काम कर रहा है, उसके बाद आप उसको ट्रेन कीजिए, यानी वो काम जो भी लोग कर रहे हैं वो करना कैसे है, आपके सिस्टम्स क्या है, आपका रिव्यू आप कैसे करते हो, मोटिवेशन पेनल्टी आप कैसे देते हो, ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करिए, उसको ट्रेन
कीजिए, उसके बाद उसको करने दीजिए थोड़ा थोड़ा काम, पर उसको अकेला मत छोड़िए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसके साथ रहिए, और जब वो गिरने वाला है तब उसे उठा लीजिए, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और ये करने के बाद धीरे धीरे उसको वो काम डेलीगेट करिए। ये आपको करना ही पड़ेगा वेदर लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। दोस्तों ये 6 चीजें ऐसी हैं, अगर ये चीजें हो जाती हैं तो लॉकडाउन के दौरान तो आपको हेल्प होगी ही होगी, और ये लॉकडाउन बार बार आने वाला है क्योंकि हम अभी भी कंप्लीट वैक्सीनेट हुए नहीं है और वैक्सीनेशन होने के लिए काफी वक्त लगेगा, कोरोना वायरस अभी भी हमारे साथ है, तो ये लॉकडाउन बार बार आएगा तभी तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। पर अगर ये लॉकडाउन वापस आना बंद हो गया तब आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, जो काम आप अभी ही कर सकते हो, क्योंकि काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम तो है पर वर्क कम है आज के डेट में, तो जो आप इंप्रूवमेंट आज कर सकते हो वो आप तब नहीं कर पाओगे जब वर्क की बरसात होने शुरू हो जाएगी। तो इस 6 पॉइंट्स को बिल्कुल लागू करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पे बहुत ही जोर से लाइक बटन को दबाइए, फोन मत तोड़िएगा, ये वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ बिकॉज वो लोग भी इससे स्ट्रगल कर रहे होंगे, अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है वो ये 6 पॉइंट के ऊपर 2 आइडियाज नए आपको आके दे दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लॉकडाउन है दोस्तों, नेटफ्लिक्स देखने के बदले आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स को मेरे साथ सॉल्व कीजिए, सब्सक्राइब बटन को जोर से हिट कीजिए और ये वीडियो का आनंद और लाभ उठाएं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप इंप्लीमेंटिंग एंड ऑल यू लवली फोक्स कीप प्रोफेसिंग।